बटर और देसी घी में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या ज्यादा अच्छा है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर लोग बटर को यूज़ करते हैं, अपने यहाँ पे लोग देसी घी को प्रेफर करते हैं, यूज़ बटर को भी यहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है और फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, दोनों में से क्या लेना चाहिए और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे बटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। बटर बेसिकली दोनों ही चीज़ें, हालांकि दूध से ही बनाई जाती है, दोनों की चीज़ों को डेयरी प्रोडक्ट्स से ही बनाई जाती है, उसमें फ्लेवर डाल के या बनाने का तरीके में थोड़ा वेरिएशन करके इसको बनाया जाता है। बटर का एडवांटेजेस ये है कि रिच क्रीमी फ्लेवर रहता है, और कई तरह के डिशेस में बटर का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि उसका एक अलग तरह का डिस्टिंक्ट तरीके का टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, जो कि कई तरह के क्विजींस में या कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। देसी घी का अलग तरह का फ्लेवर और कोई टेस्ट होता है, वो अलग तरह का अरोमा रखता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सके, अलग अलग तरह के डिशेस के साथ अलग अलग फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बटर का अलग तरह का फ्लेवर है, वो किसी चीज़ों के साथ, किसी फूड प्रोडक्ट के साथ लोगों को अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये दोनों में फ़र्क है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स है तो एक ही तरह से बनाए हुए चीज़ें, दोनों में प्रॉपर्टीज भी लगभग है, तो फैट की चीज़ें 19-20 का फ़र्क है, लेकिन दोनों का अपना अलग तरह का फ्लेवर है। बटर का एडवांटेज ये कि काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, तो इसको कुकिंग, बेकिंग और ऊपर से गार्निशिंग के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी वर्सेटाइल है और बहुत सारी तरह के डिशेज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। ईजीली अवेलेबल भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाता है, एज़ कम्पेयर देसी घी। आपको ज़्यादातर या घी जो है ज़्यादातर इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में कंपेरेटिवली कम अवेलेबिलिटी है। बटर सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है और सबसे इजीली अवेलेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, ये होता है, और इसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि बॉडी के ओवरऑल विटामिन सप्लाईज और फैटी एसिड सप्लाईज के हिसाब से अच्छे हैं। इसमें टेक्सचर काफ़ी अच्छा रहता है, तो अलग अलग तरह के टॉपिंग्स और टोस्ट और ब्रेड्स और सैंडविचेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कई चीज़ों में बटर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मान लीजिए आप टोस्ट के साथ अगर आप देसी घी लगा के खाओगे तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो दोनों का ये एक डिस्टिंक्ट क्विजींस के सेट है जिसके साथ वो यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा अगर हम ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट दोनों में फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि दोनों के अपने एडवांटेजेस है। विटामिन्स का कंटेंट बटर में भी अच्छा है। इसके अलावा बटर्स में इमल्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है सॉसेस वगैरह में और अलग अलग तरह के डिशेस में, उसकी नेचुरल इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज रहती है, तो उस हिसाब से भी बटर को अच्छा माना जाता है। बटर के डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली एक सैचुरेटेड फैट है, तो इसको ज़्यादा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये बहुत हेल्दी डिश तो नहीं है, ज़्यादा मात्रा में खाने में नुकसान ही करेगा, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा लो है, यानी कि 177 डिग्री सेंटीग्रेड या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका स्मोक पॉइंट है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर डीप फ्राई करने के लिए सूटेबल नहीं है, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए लो लेवल के टेम्परेचर पर चीज़ों को आप इसको बनाएंगे तो चलेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को आप फ्राई करोगे तो इसमें ख़राब तरह का स्मेल आने लग सकता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा लैक्टोज का ट्रेस रहता है, तो जो लोग बटर खाते हैं, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है तो उनको बटर खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। एज़ कम्पेयर घी जो है वो कंपेरेटिवली उसमें लैक्टोज फ्री होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। बात करते हैं अब घी के एडवांटेजेस के बारे में। घी का कंपेरेटिवली स्मोक पॉइंट थोड़ा बेटर रहता है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट या 232 डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्मोक पॉइंट रहता है, तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर की कुकिंग और फ्राइंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरह के डिशेज़ में आप इसको ज़्यादा डीप फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हो बटर की अपेक्षा। बटर ज़्यादा टेम्परेचर पर यूज़ करोगे तो ख़राब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, रैंसिड हो जाएगा। लेकिन ये कंपेरेटिवली बटर के कंपेरिजन में, बटर का जैसे 177 डिग्री है, इसका 232 डिग्री है, तो ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। घी का लैक्टोज फ्री होने की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट में भी ज़्यादा इजीली यूज़ हो सकता है। घी की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम रहता है, इसलिए बटर को तो कंटिन्यूसली आपको फ्रिज पर ही रखना पड़ता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है।
घी कंपेरेटिवली आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर लंबे समय तक रखते हैं तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा लंबे समय तक बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी इसको रखा जा सकता है। फ्लेवर की जहाँ तक बात है, देसी घी या घी के अलग तरह का अरोमा, अलग तरह का फ्लेवर रहता है रोटी और अलग अलग तरह की इंडियन ब्रेड्स के साथ घी ज़्यादा अच्छा जाता है। कई तरह की सब्जियों को बनाने में या कई तरह की इंडियन डिशेस को बनाने में भी घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस ऑफ टेस्ट में आएगा, तो ये किसी का एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हर अलग अलग तरह की डिशेस में किसी में ये यूज़ होता है, किसी में वो यूज़ होता है। हर तरह की फ्रेग्रेंस और हर तरह का टेस्ट जैसा है उसके हिसाब से इनको यूज़ किया जाता है। पर हाँ, दोनों का ही अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर और अरोमा है, तो उसके हिसाब से दोनों का यूजेज ज़्यादातर होता है। घी का थोड़ा सा इंडियन क्विजीन में एक ट्रेडिशनल यूज़ है, इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी थोड़ा ट्रेडिशनल यूज़ है। कई चीज़ों को घी में डाल के दिया जाता है, इसका माना जाता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स है एज़ कम्पेयर टू बटर के। आयुर्वेद में माना जाता है कि कुछ कुछ मेडिसिन को या कोई कोई चीज़ों में आप डाइजेशन के लिए भी या बॉडी के नरिशमेंट के हिसाब से भी अगर आप घी को लेते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी है। तो उस हिसाब से थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं और थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से भी इसको अच्छा माना जाता है। कल्चरली ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ ईस्ट एशिया के क्विजींस के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी सालों से एसोसिएटेड है। इसमें बहुत सारे तरह के डिशेस को इसमें बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को घी को डाइजेस्ट करना भी कंपेरेटिवली ईजी रहता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं होता है, तो जिन लोगों को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है वो कंपेरेटिवली इसको डाइजेस्ट करने में घी को उनको ज़्यादा आसानी रहती है बटर के कंपेरिजन में, क्योंकि बटर में थोड़ा लैक्टोज कंटेंट फिर भी रहता है। घी का डिसएडवांटेज क्या है? इसके भी लगभग वही डिसएडवांटेजेस हैं जो बटर के हैं, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट रहता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है, तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा डिश नहीं है। जितना कम मात्रा में खाएंगे उतना ही अच्छा है। दोनों का ही इशू ये है कि दोनों ही काफ़ी कॉस्टली हैं। इनफैक्ट देसी घी बटर के कंपेरिजन में भी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये और ज़्यादा प्योरीफाइड वर्जन है और ज़्यादा मुश्किल से बनता है, तो इसका कॉस्ट और ज़्यादा है, तो एक डिसएडवांटेज है। और दोनों ही वैसे अपने आप में काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, तो रेगुलर यूज़ में हर चीज़ में इनको डालना उतना फीजिबल नहीं रहता। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चीज़ों के कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और वेगन डाइट जो लोग प्रेफर करते हैं उनके लिए दोनों ही सूटेबल नहीं है, कि दोनों का ही कंपेरेटिवली थोड़ा एनिमल सोर्स फूड का है। तो जो लोग वेगन है यानी वेजिटेरियन से भी जो एक लेवल आगे जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, उनके लिए दोनों ही सूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है। तो बेसिकली हमारा वर्डिक्ट ये है कि दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा कुकिंग के हिसाब से आप देखा जाएगा तो घी बेटर है, थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से या आयुर्वेद की अगर आप माने उसके हिसाब से आप सोचें तो घी थोड़ा बेटर है बटर के कंपेरिजन में। लेकिन जहाँ तक फैट कंटेंट की बात है या जहाँ तक उनके इंडिविजुअल फ्लेवर्स और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की बात है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। घी में एक दो चीज़ों में एडवांटेज आपको मिल जाएगा, कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, लंबे समय तक टिक जाता है, लैक्टोज फ्री है, डाइजेशन के हिसाब से अच्छा है, और कंपेरेटिवली घी में थोड़ा स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो कुकिंग में आप ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हो। इसलिए थोड़े रिगार्ड्स में आप घी को बेटर मान सकते हो बटर के कंपेरिजन में। पर जहाँ तक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करोगे तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो कि शायद घी थोड़ा बेटर होगा, लेकिन ओवरऑल हम दोनों ही चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों में ही फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और जितना ज़्यादा मात्रा में खाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। जहाँ तक पॉसिबल है कम लीजिए दोनों में से। अल्टरनेटिवली जो आपकी पर्टिकुलर डिश आप बना रहे हो उसमें जो फ्लेवर आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, पर हमारा रिकमेंडेशन या सजेशन ये है कि दोनों को ही बने, जितना कम लें उतना अच्छा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ पॉइंट्स यूजफुल मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।